हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो मैं निकल रहा हूँ अभी कसौल के लिए। कसौल के बाद हम वहाँ से देखते हैं मलाना विलेज, ग्रहण विलेज, पार्वती वैली और भी मनाली, फिर कोकसर, फिर सिसु। पूरा 7-8 दिन का प्लान बनाया है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। स्टे ट्यून्ड। सुनील भैया बड़े वाले, तो हम निकल रहे हैं। यार ये लाल लाल लाइट आ रही है, ट्रक खड़ा आगे। तो हम निकल रहे हैं कसौल के लिए। पूरा 7 दिन का ट्रिप होने वाला है। क्यों? बिल्कुल 7 दिन। रेडी हो 7 दिन के लिए? तो 7 दिन हम जाएंगे कसौल, मलाना और पार्वती वैली, मनाली, सिसु और कोकसर, और टाइम बचा तो स्पीति वैली भी जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। स्टॉप लेते हैं तब। भाई कसौल जाते हुए भी रास्ते में टनल पड़ती है यार, पता नहीं था यार। एकदम अटल टनल वाली फील आ रही है। हाँ, वो काफी बड़ी है। हिमाचल में एंट्री ली है। हिमाचल एंट्री में भी इतनी बड़ी टनल बन चुकी है भाई। सही है यार। काफी लंबी टनल है यार ये तो। सो गाइस अभी बज गए 6, 1 घंटे का रास्ता और रह गया, हम पहुंचने वाले हैं कसौल। रस्ते में थोड़ा सो गए थे, नींद आ गई थी, तो ये भाई साहब ऐसे पड़े हुए नींद में। रास्ता तो ठीक है, रोड वोड सब अच्छी बनी हुई है यहाँ की। उत्तराखंड से अच्छे पहाड़ हैं आगे, मतलब रोड भी अच्छी है। उत्तराखंड में तो स्टीप मोड आते हैं, एकदम खड़ी चढ़ाई आ जाती है। यहाँ तो ऐसा लगता है प्लेन भी चल रही है। ऊपर मिला के बढ़िया मामला है। भाई ये तो गाइस ये 12वीं टनल आई हुई है। अभी एक टनल के बाद सीधा डायरेक्ट एक और दूसरी टनल आ गई थी। अभी हम टनल चल रहे हैं। कसौल पहुंचने से पहले इतनी टनलें आ गई हैं, अटल टनल की आई जाएगी। अब मैंने रास्ते में सिर्फ 2 बार CNG डलवाई है। एक बार चंडीगढ़ में डलवाई थी, एक बार दिल्ली में। अभी भी इसमें 2 पॉइंट रह गए और अपना कसौल रह गया 40 किलोमीटर, तो CNG में पहुंच जाएंगे। और भाई रास्ते में 14वीं टनल है, मतलब इतनी टनल ही टनल आ रही है। हम टनल जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा। और ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही, एकदम पुरानी सी लग रही है भाई, भूतिया सी। चलना है फिर ले लद्दाख। चलो चलो चले। अभी तो कह रहे थे बहुत दूर है, संदेह को कैसे पुच्छी ले रहा है। संदेह को कैसे पुच्छी ले रहा है। मौसम तो अच्छा है भाई, यहाँ पे ठंड हो रही है बढ़िया वाली, और सामने पहाड़। सुबह ये रास्ता है कसौल का, ब्लू कलर के फ्लावर्स आ गए हैं देखो यार, ग्रीनरी कितनी अच्छी है यहाँ पे।
हम पहुंच गए थे कसौल। ये व्यू है, यहाँ पे हम अपना बेड वेड सेटअप कर रहे हैं। यार लगाओ कैसे आगे को लगाओ इसे कैसे लगाते हैं? पानी तो निकलेगा। चलो आराम से आराम से, थोड़ा उधर चाहते ना उधर वाले। हाँ सही तो आए हो, बढ़िया आ गए। और क्या चाहिए? रेस्टोरेंट का नाम देखो, बीफ ईटर लंदन का। बीफ मिलता है यहाँ पे। एक ये कैफे है, DOP सिम्पसन्स का कैफे बनाया हुआ है। ये अच्छी लुक आ रही है यार। कैफे ये है यार, कैफे ना यहाँ के। एक चीज़ नोट कर रहा हूँ मैं, आर्ट वर्क इतना सही कर रखा है। ओम नमः शिवाय। ये देखो बॉब मार्ले, गांजा गांजा। बढ़िया कैफे है यार, भैया बैठे हैं सामने। ये कसौल की मार्केट है, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। वीडियो क्या बना रहे हो? अरे मैं बोल छोड़ी। क्या कह रहे थे वो? एंड कर दी मैंने। कोई नहीं, हैव ब्राउनी। एंड कर दिया, हैव ब्राउनी। सिट्टू आ गया भाई, सिट्टू। तो भाई फर्स्ट टाइम सिट्टू खाऊंगा मैं, टेस्ट करते हैं कैसा है। तो ब्रेड जैसा लग रहा है। फोटो क्या ले रहे हो? उसके बाद चले ना आप, एक स्ट्राइक फिर बस। मेरा हाथ रोक दिया। दो लोग खा सकते हैं उसमें, वो भी सेम बोली, तीन लोग दो खा सकते हैं। इतना बड़ा बस बनेगा तो इतना बड़ा, कितना बड़ा कैसा? अच्छा तो इसमें कितनी क्वांटिटी होती है? इसमें तो बहुत बताया ना, कितना? आधी किलो का होगा, आधे किलो का ही होगा। कसौल की मार्केट में कौन सा इसका नाम क्या है? फलाफल। अरे फलाफल इसका नाम है। इसका कैफे का नाम क्या है? कैफे का नाम नहीं पता मुझे भाई। तो कैफे का नाम नहीं पता, बट हमने एक ऑर्डर करा है फलाफल की प्लेट। प्लेट दिखा दो। इसराइली फूड है ना ये? हाँ। तो भाई ये कैफे है, कैफे बहुत अच्छा है, सारे फॉरनर्स बैठे हैं यहाँ पे। ऑल फॉरनर्स आर सिटिंग। अभी खाना पीना खा के आ गए हैं, अब जा रहे हैं वापस अपनी कार पे। और यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं भाई। हाल खराब हो रही है, ट्रैफिक देखो यार, कितना ट्रैफिक है यहाँ पे। सामने से गाड़ी आ रही है, बहुत फॉरनर्स हैं यहाँ पे। गाइस अभी हम घूम रहे हैं कसौल की मार्केट में, और मैंने लिए है शर्ट H&M की, सही रेट पे मिल गई। और सुनील नहीं चल रहे हैं हमारे पीछे पीछे। रात को यहाँ पे मार्केट का सीन अच्छा है, दिखाता हूँ बैक कैमरा पे। नाइट का ये सीन है, बड़ा हैपनिंग सा है। फॉरनर्स बहुत हैं यहाँ पे, इजरायली बहुत हैं। रात को 3 बजे तक चलती है पूरी मार्केट। अभी हम आए हैं कैफे में। ये क्या हो रहा है? हुक्का। चलो एक्टिंग करते हैं हुक्का पीने की। कुछ नहीं है इसमें। गाइस ये हमारी आ गई ब्राउनी, कसौल की ब्राउनी आ गई। कहाँ जा रहे हो? हमने डेजर्ट में ऑर्डर की है ब्राउनी। चलो 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 चलो, मेरा ही है। अबे यार इनकी प्लेट यार, कैफे की वाइब तो अच्छी है। ये देखो क्या क्या बना हुआ है। सो गाइस मैं ट्राई कर रहा हूँ ब्राउनी, डेजर्ट इनका स्पेशल है यहाँ का। डिफरेंट है बट टेस्टी है। वाव मजा आ गया।
गाइस अभी हमने ले लिए सब्जी, मशरूम, अंडे वगैरह, सब्जियां ले ली हैं कल के लिए। ब्रेकफास्ट बनाएंगे अपना वही कैंपिंग में, आग वाग लगा के। और क्या लिया हमने, बटर ले लिया है। तो अभी तो रात हो गई है, हम घूम रहे हैं मार्केट में और सुबह मिलते हैं। तो गाइस सुबह हो गई है, अभी हम कसौल में ही हैं और एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरी गाड़ी की लाइट हो गई थी, रह गई थी कल ऑन, तो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो अभी गए हैं सुनील भैया हमारे देखने, किसी को बुला के लाएंगे, चालू होती है तो फिर देखते हैं किसी देर में निकलेंगे। चाबी ऑन रह गई थी, अब बैटरी होगी डाउन। अब सुनील जी हमारे मैकेनिक को बुला के लाए, अब बैटरी लगाएंगे, जंप स्टार्ट करेंगे। जंप स्टार्ट ऑन करूँ गाड़ी, अंदर जा, अपनी मैं आवाज़ लगाऊंगा ना फिर से। गाड़ी का हाल बुरा, अंदर से नहीं हो रही। हो गई, बंद हो गई, अपने आप हुई है। 2 मिनट वहीं पे रखो बैटरी को। चलो भाई स्टार्ट हो गई अपनी गड्डी, पंद्रह बीस मिनट हाँ कम से कम। तो गाइस हम पहुंच गए तोश विलेज और यहाँ पराठे ऑर्डर कर रहे हैं। कैसा रास्ता था भाई, रास्ता बहुत बेकार था यार। तो भाई ये तोश का पुल है, खतरनाक व्यू है थोड़ा सा। तो अपनी तोश में एंट्री कर ली हमने, जर्मन बेकरी, सामान तो बहुत टेस्टी है। ट्राई करेंगे, पिज्जा एप्पल पाई ट्राई करेंगे यार। हाँ करते हैं थोड़ी देर में। कसौल के मुकाबले बहुत शांत लगा यार तोश, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे। तो भाई तोश में आ गए हैं, यहाँ एक कैफ़े है शिवा कैफ़े, अरे भाई क्या वीडियो। चलो भाई साफ आ रही है। कौन जीत रहा है फिर आज, हमारी फेवरेट पार्टी। कितनी शांति सी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। ओ ये हम आए तोश विलेज में, छोटे से ट्रैक पे, वहाँ पे देखो भीड़ छोटी छोटी। ये पॉइंट सही है, मैं बगी में आओ 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 आओ। जिगरा होता है इनमें, वहाँ पे जगह नहीं है बिल्कुल भी, कहाँ से देखो गाड़ी निकाल रहा है वो।
भाई यहाँ के लोगों का अलग ही जिगरा है। बहुत जरासी रोड है वो, देखो एकदम नैरो। खतरनाक ड्राइविंग है भाई यहाँ की। भाई मेरे से तो मुड़ नहीं रही थी, मैंने भैया को दिया मोड़ने के लिए। ये देखो कितनी खतरनाक है। मैंने कहा भाई मोड़ के दो हमें, हमसे तो मुड़ेगी नहीं। जरा सा टायर लगा और नीचे खाई में। खतरों के खिलाड़ी भाई। बस एक बार आगे सर। भाई देखो कैसे मोड़ रहे हैं भैया यार, जरा सा गैप है बस उसमें मोड़ रहे हैं। ओ बस 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 बस। अरे वाह मोड़ दी भाई ने तो यार। तो भाई तोश से वापस जा रहे हैं हम। तोश का एक्सपीरियंस इतना खास रहा नहीं, रोड यहाँ की बहुत ख़राब है, एकदम स्टीप पतली सी रोड है, नैरो और बीच बीच में कई जगह से टूटी भी हुई है। ऊपर चढ़ा हो तो गाड़ी टायर घूम जाता है। बाकी विलेज में हुआ है वहाँ पे कुछ स्पेशल था नहीं। आपको कैसा लगा तो उसमें, मजा आया कुछ? बहुत मजा आया उसमें। अच्छे चाय बहुत। थोड़ी देर पहले तो कुछ और बोल रहे थे भाई, चाय अच्छी थी। लोग कितने दोगले हैं, शांति बहुत शांति थी। दो मिनट में अपने कमेंट बदल लेते हैं। आप भी कांग्रेस की तरह होते जा रहे हो। तो भाई साहब कितना स्टीप नीचे, पूरी पूरी सीमेंट की वो है। डेंजरस रोड है भाई ये, डब्बे थे भाई यहाँ पर भाई एकदम डेडली। यहाँ से आ गए थे वो ऊपर, हाँ वहीं पर आते गए थे। उसमें तो कुछ खास था नहीं, तो वहाँ से निकल गए हम, शाम को निकल गए थे। अब जा रहे हैं मनाली, लगभग एक घंटे मनाली पहुँच जाएंगे, तो उसके बाद वहाँ पहुँच के मिलते हैं। स्टे ट्यून। तो गाइस ये खाना है 100 रुपीज़ में अनलिमिटेड खाना, बहुत टेस्टी है। तंदूरी रोटी है, चार सब्जी है और बहुत टेस्टी खाना है 100 रुपीज़ में अनलिमिटेड मनाली में। कैन यू इमेजिन, पतली वाली थी ये तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है।